चाची इधर 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 एक हमरा से लड़ो ना हमरा से के पहुंच जीता यहाँ हमारे गांव में दो तीन बार घटना भेल है भाजपा वाला ना मंदिर बना दिले करोड़ों के पैसा वाला खातिर ले ओकर पास गाड़ी है ओकर पास पैसा है ओकर पास हर चीज सामान है हमारे पास कुछ भी ना है तो हम लोग कैसे वहाँ पहुँचे हमने कोई ना पहुँचे पर्व राम मंदिर बनल थी तो खुश ना तो एकदम खुश कौन चल रहा राम मंदिर मतलब बोले एक बात की पैसा वाला खातिर बने ले राम मंदिर पैसा वाला खातिर एकदम पैसा वाला खातिर ले जेकर पास पैसा है वो राम मंदिर पहुँचता है हमारे पास पैसा ना है हम ना पहुँचे गैस मिलो गैस चूल्हा गैस कुछ ना मिल जोहार चुनाव की सरगर्मी देश में तेज हो चुकी है और इसके साथ ही मौसम का तापमान भी बढ़ चुका है। दोपहर का समय है, कड़ी धूप है और कड़कड़ाती धूप में जो है चुनाव की जो सरगर्मी भी है ना वो भी कड़कड़ा रही है। इसके साथ ही जितने भी देश के राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है क्षेत्रीय पार्टियां हो राजनीतिक पार्टियां हो सब लोकसभा तैयारी में जुट गई है, जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं इसकी तस्वीर आप देखिए, इसकी तस्वीर सच है कि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये देखिए। हम जानने का प्रयास करेंगे कौन सा गांव कौन सा पंचायत कौन सा टोला सारा कुछ, लेकिन ये तस्वीर देखिए लाल झंडे की तस्वीर है। यहां नेता लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं क्या तैयारी है इनकी जानने का प्रयास कर देंगे। लेकिन ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, गांडे विधानसभा क्षेत्र है। आइए जानेंगे सीधा सवाल, गांडे विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं राजेश जाधव नाम है, क्या कुछ कहते हैं क्या तैयारी है। जाधव जी आज आप इस गांव तक पहुंच गए हैं पूरा जोर शोर से। इस गांव में हम पहली बार नहीं आए हैं, यहां के लोगों को पता है, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ दर्जनों बार आ चुके हैं और आने जाने के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि ये तिगोजोरी गाँव है और इसके जैसे अगल बगल के भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोग तरह तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। अब यहीं पर देखने की बात है कि यहां पर नल जल योजना, आजकल हमारी सरकार जो है वो विज्ञापनों में विकास का जो ये वो दिखलाती है, दावा करती है कि बहुत विकास हो गया, लेकिन धरातल पर आकर के आप देखिए कि इस तरह के कई गांव हैं जहां पानी की घोर किल्लत है। इस गांव के लोग यह भी बता रहे हैं कि उनके ऊपर जो बिजली का बकाया बिल है वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर हजारों हजार का बकाया बिल है। गांव की अधिकांश महिलाएं ग्रुप लोन के बोझ तले दबी हुई है। हम यह जानते हैं कि इस देश की सरकार ने कारपोरेट कंपनियों के लिए लाखों करोड़ रुपया उनका कर्ज माफ़ किया है, लेकिन गरीबों का कोई कर्ज और उनका बकाया बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ। ऐसे समय में यह चुनाव हो रहा है, महंगाई भी ज़बरदस्त है, इस गांव के भी लोग बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं रोजगार के लिए, और सरकार अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो तरह तरह के दावे विज्ञापन का सहारा लेकर के कर रही है, लेकिन उनके दावे और हकीकत में बहुत अंतर है। इस बार जनता ने यह ठान लिया है कि हम लोग, जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही और उस सरकार की नुमाइंदगी करने वाली हमारी यहाँ की जो सांसद है वो भी लगातार आम जनता से एक तरह से कटी हुई रही है, कभी भी उन्होंने जनता के दुख दर्द में उनका भागीदार बनने का काम नहीं किया, तो जनता ने कहीं ना कहीं से तय कर लिया है कि इस बार कोडरमा से महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कॉमरेड विनोद सिंह, भाकपा माले के बगोदर से विधायक हैं, उन्होंने झारखंड में उत्कृष्ट विधायक होने का भी उनको एक तरह का ये मिला है, उनको उनके काम का नतीजा है, तो लोग तय कर चुके हैं कि अपने सवालों पर और घर घर से 20 रुपया दे करके लोग भाकपा माले प्रत्याशी जो महागठबंधन से हैं उनको जिताने के लिए लोग निर्णय लिए हैं और इसी क्रम में हम यहाँ जनसंपर्क अभियान जी। तो विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कोडरमा लोकसभा से। जी विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन का। जो इंडिया गठबंधन में कई दल हैं और कई दलों के आपसी सहमति से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होने के बाद, उसका ऐलान होने के बाद, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, भाकपा माले ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कोडरमा से कर दी है और जो बचे हुए लोग हैं दल हैं वो भी करने वाले हैं। ये एक तरह से ऑफिशियल ही है और एक औपचारिकता सिर्फ बाकी है जो हमें लगता है कि दो चार दिनों के अंदर में वो किया जाएगा रांची से। आप इस वक्त गांडे विधानसभा में भी खड़े हैं तो जी? नहीं नहीं, हम लोग अभी गांडे विधानसभा में इस बार हम व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मतलब खड़े हैं, तो उसकी क्या है, वहाँ भी इंडिया गठबंधन जेएमएम की? हाँ हाँ, यहाँ जैसे इंडिया गठबंधन अगर है तो वो सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है बल्कि विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी है। निश्चित रूप से यहाँ इस उपचुनाव में यहाँ पर जो महागठबंधन उम्मीदवार संभवतः कल्पना सोरेन जी होंगी, जो हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और उनका इलाके में आना जाना भी हुआ है, शुरू हुआ है, और ये एक तरह से
दोनों ही चुनाव, कोडरमा लोकसभा चुनाव भी और गांडे उपचुनाव भी यहाँ महागठबंधन का ही विजय प्रचार में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, जनसंपर्क में लगे हुए हैं क्या मनोज जी? हाँ, जनसंपर्क में लगे हुए हम लोग पूरा जोर शोर से। पूरा जोर। चलिए सीधा तस्वीर हम जनता से जानेंगे, हालांकि नेता लोग से जाने हैं, लेकिन यहाँ जनता की क्या दुख दर्द है, क्या अनपढ़ी है कि ये जो है, ये थोड़ा सा देखिए, ये 20 रुपये का कूपन है माले का, CPIML माले का 20 रुपये का कूपन है। ये कूपन जो संगठन को सहयोग में जा रहा है 20 रुपये की राशि। हालांकि क्या कुछ कहते हैं जानने का प्रयास करते हैं, इसका क्या मतलब, ये आप लोग हाथ में क्यों लिए हैं चाची? लिए हैं, माले को वोट देंगे। माले को वोट दीजिएगा? हाँ। माले को ही कहे दीजिएगा, कहे नहीं देंगे। जैसा हम हैं गरीब, वो हमको देखेंगे, अमीर को देंगे तो कुछ भी ना करेंगे। नहीं, इतना घोटक दी तो माले गरीब के लिए है, एकदम है, हम लोग के लिए है। हम लोग के लिए है, हम कोई भी काम लगता है हम लोग एक बार बोलेंगे 12 बजे रात मेरा घर पहुंच जाए। यहाँ से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है माले से? सब लोग हम लोग जाएंगे। मैंने के चुनाव लड़ेगा यहाँ से, कोडरमा लोकसभा से? विनोद सिंह। विनोद सिंह जानते हैं? जानते हैं, इधर कभी आए हैं वो? हाँ। अरे अन्नपूर्णा देवी जो यहाँ के सांसद है उसको जानते हैं? उसको नहीं जानते, नहीं है, देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं उसको देखे है। कैसा शकल है, कैसा मोटी है कि पतली है, कि नाटी है कि लंबी है, उसका देखबे नहीं किए हम लोग, नहीं जानते हैं उसका। यानी कि आप लोग विनोद सिंह के समर्थन में हैं? हाँ, कोडरमा में विनोद सिंह को जिताइएगा जी। यानी अच्छा, आप लोग से पूछना चाहेंगे यहाँ क्या क्या सुविधा इस गांव में मिला है? इस गांव में कोई चीज सुविधा नहीं है। हम लोग का गांव में रोड नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, घर का व्यवस्था नहीं है। ये गाँव जैसे कोई गाँव में गरीब नहीं है, लेकिन ये गांव में कोई चीज का सुविधा नहीं है। यहाँ पानी भी ना मर रहा है, सब बच्चा बुतरू है, टंकी ला के खड़ा कर दिया है, इंगल क्या है, पानी भी ना समर रहा है, इसको क्या मानेंगे हम लोग? कुछ नहीं मानते हैं। मैंने पानी का टंकी खड़ा है लेकिन पानी नहीं पानी पहुंचा है नहीं, तो नहीं। कितना साल हो गया होगा खड़ा है वो? हो गया करीब करीब 2 साल। 2 साल से खड़ा है? हाँ, खड़ा है। तो आपको लगता है, उम्मीद है कि यहाँ से चुनाव जब जीतेंगे माले के प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह, तो आप लोग के लिए जो ये सारी सुविधाएं देंगे, विश्वास है उनपे? एकदम विश्वास है, हम लोग का विश्वास है, हम लोग विश्वास पर है, विनोद सिंह को जरूर जिताएंगे। जरूर जिताइए, जरूर जिताएंगे। अच्छा, अन्नपूर्णा देवी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? नहीं, जानते हैं अन्नपूर्णा देवी को? आप जानते हैं दीदी? थोड़ा सा सामने। कोई नहीं, उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ, ना ना ना। अच्छा, तोहनी के कुछ मिला लो? कुछ आवास मिल लो? कुछ गैस? कुछ नहीं। गंडवा तो नहीं साइड करियो? मैंने तोहनी के यहाँ। अच्छा, घर तोहनी पक्का हो? कच्चा? कच्चा। कच्चा तो पीएम आवास मिल लो? कुछ ना। तो अबू आवास यहाँ कितना? वोट देते चाची? चाची चाची इधर 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 एक हमरा से लड़ो ना, हमरा से उन्हें लड़बे तूने आवाज वो सुना है? पहुंच जीता यहाँ हमारे गांव में 2-3 बार घटना भले भाजपा वाला ना ना राजेश भैया जैसे फोन कर लिया तैसे आ गया। गांव में घटना वाला, एक बार घटना भले, किसी तरह घटना भले। अच्छा, भाजपा से तो नहीं की नाराजगी बता ना? अरे मंदिर बना दल को, गैस दल को, पानी यहाँ तक पहुँचा दल, अभी की जाए मोदी जी तो कह मंदिर बना दल करोड़ों के पैसा वाला खातिर ले। ओकर पास गाड़ी है, ओकर पास पैसा है, ओकर पास हर चीज सामान है, हमारे पास कुछ भी ना है, तो हम लोग कैसे वहाँ पहुँचे? हमने कोई ना पहुँचा पर राम मंदिर बने थी तो खुश ना? तो एकदम खुश खुश कौन चल रहा राम मंदिर बने बोले एक बात की पैसा वाला खातिर बने ले राम मंदिर पैसा वाला खातिर एकदम पैसा वाला खातिर ले। जाकर पास पैसा है वो राम मंदिर पहुँचता है, हमारे पास पैसा ना है हम ना पहुँचे। गैस मिल लो? गैस चूल्हा? गैस कुछ ना मिला ला, गैस मिला ला, इनका लोनी मिला ला, इनके कुछ भी नाम नहीं मिले, न राशन कार्ड है, कुछ भी ना है, सब चीज हमने कोई चीज सुविधा ना है, राशन भी ना मिलो तो नहीं कुछ भी ना, तो कौन चीज जानबे ओकरा? हम कुछ ना जान लिए, हम ऐसा नहीं विनोद सिंह के लिए कुछ न भेले, वो वोट देते देते बूढ़ा भ गए। कते दिन से मतलब वोट दले है तो मैंने भाजपा काम से खुश ही तो नहीं ना कुछ तो माले तो अनेक बेड़ा पार कर दतो कर दतो एकदम एकदम तोनी मालिक समर्थन। हां हां हाँ जी, तोहनी अभी? हाँ हाँ। अच्छा, तोरा आवास मिल लो? ना मिला ना मिला ना मिला। अब वो आवास ककरा ककरा मिला लो? ककरन मिला लो, ककरन मिला लो। पर्दा पीएम आवास कुछ नहीं ना मिला लो? नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं मिला लो कुछ। आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं, आपका घर बिल्डिंग है मैंने पक्का मकान है या छत है? ये है खपरा वाला घर है। खपरा वाला है?
आवेदन किए थे आप लोग? किए हैं। तो क्या हुआ? बार बार आता है लिस्ट में नाम, और लिस्ट में रह जाता है, कभी भी बाहर नहीं आता है लिस्ट से। नहीं आता है? फोटो वोटो भी खींच के ले गया है। अच्छा। लिस्ट में नाम दिखा देता है, देखिए आपका आ गया, और बाद लिस्ट में वही रह जाता दब के। अच्छा, लिस्ट से बाहर नहीं आता है कभी। तो आप लोग इसीलिए आप लोग माले को वोट करिएगा। कैसा पाएंगे तब ना कॉलोनी मिलेंगे, अब गांव से मिलेंगे, पैसा घुसेगा तब ना। अच्छा, ये घूस वाला काम के बढ़े ले? जब मेरे पास पैसा है ये नहीं है तो हम देंगे कहाँ? अच्छा, ये घुसा वाला जे के बढ़े ले? लिस्टवा में जो सरकार बढ़ाया, कौन बढ़ाया? कौन सरकार? मोदी सरकार, जो उसका स्टाफ है उन्हीं को बोला है घूस देंगे तब ना हमको देगा वो कॉलोनी। हमारे पास पैसा है ये नहीं, तुम क्या देंगे उसको? इससे अच्छा कहे वोट देंगे उसको, जाओ बिना संकट जिताएंगे तो जो हमको जो सब कुछ वही करेंगे, नहीं करेंगे वो भी अच्छा है, करे वो भी अच्छा है। अने विनोद सिंह को ही जिताइएगा, इंडिया गठबंधन को ही जिताइएगा। अच्छा, की बोले कोई ना? आवन बोलो, इधर आओ, की बोलो चाची? बोले से ठीक है। बोलो मोदी के जीतेले है? हाँ जीता है, कैसे नहीं जीता है, जीता है। कर लो मोदी, मोदी जे कर कैसे करबे कर लिया, आधा सुधा जे कल कस करिए दल का, लेकिन एक बार चांस विनोद सिंह के है। अबरी विनोद सिंह के? हाँ, अबरी की नाराजगी तोर भे गेलो? नाराज है, हमारे घर में कोई ना है, न इंदिरा आवास है, न अबुआ आवास है, न राशन कार्ड है, कोई भी हमारा पेंशन पेंशन भी ना है। वृद्धा पेंशन? पेंशन मिलबो कर ले, वो कट गले, कट गलो, वो कट गले। मैंने तो ये ना रोड बनल हो तोर गांव के? ये देखे ना रोडवा, इधरे ले तो नहीं रोडवा बनल है कि ना? बनल पानी की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, स्कूल का व्यवस्था ऐसा ही है, आंगनबाड़ी का भी व्यवस्था वैसा ही है, साथ में ही यहाँ जो है स्कूल है, मगर उसमें पढ़ाई नहीं होती। स्कूल है, है, पढ़ाई है कोई नहीं, पढ़ाई मास्टर उधर बैठा ले, बच्चा लोग इधर खेल रहा है, खाली पैसा लेता है, अपना हाजिरी बनाता है और पैसा आता है उसका, बस पढ़ाई में नहीं करता है मास्टर। तो देखिए चुनाव का रुझान आ गया है, जनता देखने लगी है कि आप जो 5 साल बड़े बड़े वादे किए होल्डिंग पोस्टर लगा के, जो बड़ा बड़ा जो आप देखने को मिल रहा था रोड साइड में, पेट्रोल पंप में, या फिर कहीं भी आपको शहरों में देखने को मिल रहा था, वो बड़ा बड़ा होल्डिंग पोस्टर क्या यहाँ तक पहुँची है ये तस्वीर? ये जो लोकतंत्र है, ये जो जनता है, ये जो जनता ने बताई कि हमारे पास न गैस आया है, न पीएम आवास आया है, न जल आया है, न रोड आया है, तो ये जो लोकतंत्र ने जो आपको अभी तक जो तस्वीरें दी है, ये तस्वीर से क्या लगता है कि वो होल्डिंग पोस्टर सब वहीं का वहीं है, ये गांव तक तो नहीं है? तो इसीलिए इन लोग की नाराजगी है, और इन लोग सीधा जो है विनोद सिंह, माले नेता विनोद सिंह से कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी देखना दिलचस्प होगा कोडरमा लोकसभा में, एक तरफ जो है बड़ी पार्टी है और एक तरफ है ये विनोद सिंह है, तो देखिए क्या कुछ होगा, आने वाला समय ही बताएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, जोहार।